नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वीर योद्धाज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप ये जानते ही हैं कि शहीद भगत सिंह का नाम कभी अकेले नहीं लिया जाता, उनके साथ राजगुरु और सुखदेव का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आज हम क्रांतिकारी देशभक्त राजगुरु की बात करेंगे। उनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले अंग्रेजों के एक पुलिस अधिकारी को मार गिराया था। और भगत सिंह व सुखदेव के साथ ही उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे के पास खेड़ नामक गांव में हुआ था। अब उस गांव का नाम राजगुरु नगर रखा हुआ है। बचपन से ही राजगुरु के अंदर जंग आजादी में शामिल होने की लगन थी। वह महाराष्ट्र के देशाता ब्राह्मण परिवार से थे। उनके परिवार का शांत साधारण जीवन था, लेकिन उनके जीवन में अशांति तब आई जब होश संभलते ही उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म को अपनी आंखों के सामने देखा। आए दिन अत्याचार की खबरों से गुजरते राजगुरु जब तब किशोरावस्था तक पहुंचे, तब तक उनके अंदर आजादी की लड़ाई की ज्वाला फूट चुकी थी। मात्र 16 साल की उम्र में वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गई। उनका और उनके साथियों का मुख्य मकसद था ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना। साथ ही वह घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते थे और जंगे आजादी के लिए जागृत करते थे। वह महात्मा गांधी की अहिंसावादी विचारधारा से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। वह क्रांतिकारी तरीके से हथियारों के बल पर आजादी हासिल करना चाहते थे। 19 दिसंबर 1928 को उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स की हत्या की थी। असल में ये वारदात लाला लाजपत राय की मौत का बदला थी, जिनकी मौत साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त हुई थी। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में हमला करने में राजगुरु का बड़ा हाथ था। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव का खौफ ब्रिटिश प्रशासन पर इस कदर हावी हो गया था कि इन तीनों को पकड़ने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाना पड़ा। पुलिस ऑफिसर की हत्या के बाद राजगुरु नागपुर में जाकर छिप गए। वहाँ उन्होंने RSS कार्यकर्ता के घर पर शरण ली। वहीं पर उनकी मुलाकात डॉक्टर KB हेडगेवर से हुई, जिनके साथ राजगुरु ने आगे की योजना बनाई। इससे पहले कि वह आगे की योजना पर चलते, पुणे जाते वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नाम स्वरूप भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के साथ 21 अन्य क्रांतिकारियों पर 1930 में नए कानून के तहत कार्रवाई की गई और 23 मार्च 1931 को एक साथ तीनों को सूली पर लटका दिया गया। तीनों का दाह संस्कार पंजाब के फिरोजपुर जिले में सतलुज नदी के तट पर हुसैनवाला में किया गया। इस तरह क्रांतिकारी राजगुरु ने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अंत में देश के लिए होने वाले सभी शहीदों को शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।